नमस्कार नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड उप यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज आपके लिए लेके आई हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 5, जिसमें आज आपको सिखाएंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे हम ईएएन नंबर कहते हैं या ईएएन कॉन्सेप्ट कहते हैं। ईएएन का फुल मीनिंग होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कैलकुलेट करने का आता है कि किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को ईएएन नंबर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी वो थी सिडविक ने दी थी। दिस रूल इज गिवन बाय इंग्लिश केमिस्ट नेविल वी सिडविक। किसने दी थी? सिडविक ने दी थी। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल एटम ऑब्लिक आयन प्लस द इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द लिगेंड्स दैट ईएएन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द नोबल गैस। Therefore, EN decided stability of coordinate compound. If a coordinate compound follow the EN rule, then it is a stable one. इसका मीनिंग ये है कि किसी भी सेंटर मेटल कोऑर्डिनेट कंपाउंड के सेंटर मेटल का EN नंबर हम फाइंड करते हैं और ये फाइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनी लिगेंड। इसका मतलब यह है कि किसी भी लिगेंड के द्वारा डोनेट किए गए सेंटर मेटल की तरफ को उपस्थित इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन और दिए गए इलेक्ट्रॉन का जो सम होता है वो नोबल गैस के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर वो नोबल गैस के इक्विवेलेंट है तो देयरफॉर द ईएएन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा और वो ईएएन नंबर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। तो इसका मतलब वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट होना चाहिए। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8, 18, 36, 54, 86। कहने का मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। अगर वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है? स्टेबल है। इसका मतलब आपका ये नंबर 2, 8, 18, 36, 54, 86 के इक्विवेलेंट आता है तो वो एक स्टेबल कंपाउंड की स्टेबिलिटी को, किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी को शो करता है। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को ये नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे एक जनरली फॉर्मूला बना सकते हैं आपसे। ये नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल एटम और आयन, किसी भी मेटल एटम और का एटॉमिक नंबर, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड और 2, किसी भी लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या कह सकते हैं या 2 का मतलब हो गया कोई भी एक लिगेंड। अगर कोई भी लिगेंड है, जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया CuNH3 का होल 4 Cl2 और का प्लस 1, ये हमने मान लीजिए ये एग्जांपल लिया। तो ये इसका मतलब है Cu4NH3 से। ये आपको मैंने इससे पहले आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी वार्नर थ्योरी पार्ट 4 में समझा रखा है, उसको एक बार विजिट करिएगा, देखेगा आराम से समझिएगा कि जैसे ये 4NH3 से जुड़ा हुआ है और 2Cl से जुड़ा हुआ है और सबके सब क्या है? लिगेंड है। ये सेंटर मेटल है और ये क्या है आपका? ये सबके सब लिगेंड है ब्रैकेट के अंदर। तो सेंटर मेटल की तरफ को लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। तो एक लिगेंड अपने कितने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, दो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी कि सेंटर मेटल की तरफ को ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। तो उसको क्या कह सकते हो? 2 भी कह सकते हो। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगेंड, ईच लिगेंड कैन बी डोनेटेड द 2 इलेक्ट्रॉन टू मेटल एटम और आयन। वही बात मैंने बोली कि जितने भी लिगेंड होंगे अपने इलेक्ट्रॉन को सेंटर मेटल की तरफ को डोनेट करेंगे। अब एक लिगेंड, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन तो डोनेट होता नहीं है, तो एक लिगेंड क्या होंगे? पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। उसके बेसिस पर हम किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का ईए नंबर यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। हम इसको एक एग्जांपल से ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है CuNH3 का होल 6 3+। ठीक है, CuO हमने लिया है एग्जांपल CuNH3 का होल 6 3+। मैं अब आपको उसका ईए नंबर कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। ये हमेशा एग्जाम में कैलकुलेट करने को आता है, बच्चे इसमें हमेशा मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। CuNH3 का होल 6 3+। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे CO का एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर। आपको पता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। ठीक हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट करना सिखाया था। कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? सेंटर मेटल का क्या आता है? तो सेंटर मेटल क्या है? CO, CO प्लस 6NH3 इज इक्वल टू प्लस 3। प्लस 3 इसलिए क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना दे रखा है? प्लस 3 दे रखा, इसलिए इक्वल के अंदर हम प्लस 3 लिख देंगे। ठीक है, CO प्लस 6, NH3 पर 0 चार्ज होता है। NH3 चार्जेबल लिगेंड नहीं है,
लीगेंड कौन से चार्जेबल होता है, किस पे कितनी वैलेंसी होती है, मैं इससे पहले पार्ट फोर में आपको ये बता चुकी हूँ। आप एक बार उस टेबल को ऑब्जर्व करेगा, उसमें मैंने साफ बता रखा है कि कौन से नेगेटिव लिगेंड होते हैं, कौन से न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, कौन से बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, कौन से मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दी अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं है, दिख रहा है आपको 0 = +3, तो CO = +3, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 3 आया। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 3 आ गया, हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया। तो CO 27 था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया, हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिख दिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेस कर देंगे, जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन लेस कर दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन लेस कर दिए तो दैट इज 24, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या शो कर रखा, दिस इज 24, हमने क्या लिख रखा 24, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देन हम इसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि सेंटर मेटल की तरफ को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, NH3 के कितने मॉलिक्यूल्स है, 6 मॉलिक्यूल्स है, NH3 जो आपको साथ में दिख रहा होगा, ये दिस इज द NH3, NH3 के कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, NH3 के 6 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ लिगेंड डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 × 6 = कितना होगा 12, मैंने आपको बताया ना एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, सो फाइंड आउट द ईए नंबर। अब हम क्या करेंगे, ईए नंबर कैलकुलेट करेंगे, फिर से समझाती हूँ। पहले आपने किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को लिया, उसका सेंटर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने के बाद उसको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के बाद उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन लेस कर दिए, फिर देखा कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड डोनेट करता है, कितने करता है, 12 करता है। देन पुट इन अ फॉर्मूला, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, अब इसका एटॉमिक नंबर 24 रह गया है, प्लस 6 × 2 कहता हो गया 24, प्लस 6 × 2 = 12 और 2 = 36, ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, क्रिप्टॉन के इक्विवेलेंट आ रहा है, हो रहा है ना, इनर्ट गैस के इक्विवेलेंट आ रहा है। सो दैट मीन्स CONH3 का होल 6+, जिसका IPC नेम हो सकता है हेक्सामीन कोबाल्ट 3 आयन का ऑक्सीडेशन आपका कॉल ये नंबर कितना है, 36 है, और ये स्टेबिलिटी को शो करता है, यानी कि एक स्टेबल कंपाउंड होता है, स्टेबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है। ठीक, हम दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं ये नंबर कैलकुलेट करने के लिए, हम ज़्यादा एग्जाम्पल तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैंने एक दो एग्जाम्पल लिए हैं उसी के बेसिस में बता रही हूँ। मैंने नेक्स्ट लिया है, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है BOCO⁻¹-, ठीक है, B इज द वेनेडियम, सबसे पहले मैंने इसका एटॉमिक नंबर लिखा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर लिखने के बाद हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो B+6CO = -1, -1 इसलिए आ रहा है यहाँ पर, -1 ऊपर से चार्ज दे रखा है। सपोज यहाँ पर चार्ज नहीं दिया होता, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा इसमें चार्ज नहीं दिया है, तो राइट डाउन 0, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। सो नाउ B+6CO को, CO इज द कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा, 0, सो इट्स वैल्यू इज -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1, सो इसकी वैल्यू -1 आई, तो आपको समझ में आ गया होगा -1 आ गई, तो इसका हम एटॉमिक नंबर कितना कर देंगे, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर = 23। अब वहाँ +1 आ रहा था तो हमने क्या करा था, -3 कर दिया, +3 आ रहा था हमने -3 कर दिया, इसमें -1 आ रहा है तो -1 करेंगे, सो दैट इज +1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। बात समझ में आई कि वहाँ पर हमारा +3 आ रहा था तो हमने +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेस कर दिए, +3 का मतलब होगा 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्योंकि आपको पता होगा केमिस्ट्री में प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ -1 आ रहा है तो दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो नाउ इस टर्मिनल नंबर इज 24। सो नंबर ऑफ लिगेंड मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ सीधे, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 है लिगेंड, 6 × 2 = 12, सो राइट इन अ फॉर्मूला, दिस इज व्हाट, ईए नंबर सीधे कैलकुलेट कर दीजिए, ईए नंबर = कितना होगा, 24+6 × 2 कितना होगा, 24+12 = 36, दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, ये भी किसके इक्विवेलेंट आया, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन के इक्विवेलेंट आया, दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है, यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक, तीसरा एग्जांपल मैंने ले रखा है MnCn का होल 4 2-, मैग्नीज के कंपाउंड ले रखा है साइनाइड के साथ, MnCn का होल 4 2-, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात करेंगे, हमने लिया MnCn का होल 4 2-, ठीक है, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 25, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, Mn+, अब थोड़ा सा चार्ज वाला आया है, +4 × Cn = -2, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखा रही है उस वाले क्वेश्चन में, Mn का फाइंड आउट करोगे, दैट इज Mn+4 × Cn,
सीएन पे कितना चार्ज होता है माइनस वन। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कैसे, तो आप किसी भी कंपाउंड को ले लो जो सीएन के साथ है। जैसे कि मैंने एचसीएन लिया, अगर मैं एचसीएन को ब्रेक करती हूँ कितना होता है एच प्लस और सीएन माइनस, यानी कि सीएन एक चार्जेबल स्पीसीज है जिस पर माइनस वन चार्ज होता है, दैट इज माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस टू। सो नाउ वी कैलकुलेट एम एन क्या हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस फोर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका माइनस टू। सो एम एन इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस टू प्लस फोर, दैट मीन्स कितना हो गया आपका टू, ये कितना आ रहा है टू, साफ क्लियर हो रहा है कितना आ रहा है टू, यानी कि प्लस टू कहने का मतलब प्लस टू का मतलब दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो नाउ दिस इज प्लस टू, हमारा कितना आया प्लस टू। सो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एम एन प्लस टू इज इक्वल टू कितना हो गया आपको 23। ठीक हो गया, दो इलेक्ट्रॉन लेस हो गया। फिर कैलकुलेट कर दिए ई ए नंबर, ई ए एन नंबर, ई ए नंबर कैलकुलेट करना है। तो देखिए ई ए नंबर कैलकुलेट करने के लिए फिर वही बात है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका, आपका 23 प्लस कितने लिगेंड है चार, फोर इंटू कितना हो गया आपका टू इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, कैलकुलेट कर दीजिए कितना होगा 23 प्लस 8 हो गया आपका 31। कितना हो गया आपका 31, इसकी वैल्यू कितनी है 31। सो नॉट ओबिंग द ई एन रूल, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में साफ क्लियर हो रहा है, नॉट ओबिंग द ई एन रूल 31 इज नॉट एटॉमिक नंबर ऑफ एनी नोबल गैस। ये 31 एटॉमिक किसी भी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बोला नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 2 8 आपका 18 36 54 और 86, यानी कि कह सकते हो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन। कहने का मतलब जो भी एलिमेंट इन अ गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है वो ई ए नंबर की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक स्टेबल कंपाउंड शो करता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का स्टेबल कंपाउंड शो करता है। जो ये एटॉमिक नंबर शो नहीं करता है आफ्टर द कैलकुलेशन वो स्टेबल नहीं है, जैसे कि हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो स्टेबिलिटी को शो नहीं करता था। आशा करती हूँ आप लोगों को ये नंबर कैलकुलेट करना आ गया होगा। आगे ये नंबर कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये एक 5 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।